यूं तो चैत का दूसरा दिन आज है और कल ही हिंदुस्तान ने बड़े हर्षोल्लास के साथ फागुन महीने का सबसे पवित्र पर्व होली मनाया। बहरहाल जो तस्वीरें इस वक्त बिहार की निकलकर सामने आ रही है वो चिंता वाली है। मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में ही गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में इस वक्त चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, पारा 41 के पार जा चुका है। यहाँ मौसम विभाग की तरफ से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक शनिवार को होली के दिन बिहार में बांका का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के ज़्यादातर जिलों में पारा 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पटना में भी अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से बहुत ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बिहार में बारिश के कोई आसार नहीं हैं, लिहाजा गर्मी का सितम लोगों को इसी तरह झेलना पड़ेगा। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गया में 37.1, वहीं भागलपुर में 37.4 तो पूर्णिया में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण में 37 डिग्री तो मुजफ्फरपुर का तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा रोहतास का तापमान 38 डिग्री तक तो मधेपुरा का तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भोजपुर जिले का तापमान 33.6 डिग्री तो वैशाली का 37.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सीतामढ़ी में तापमान 39.3 डिग्री तो औरंगाबाद में 37 डिग्री और नवादा में 38.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जमुई की बात की जाए तो जमुई जिले में 39.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 24 मार्च तक ज़्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री या उसके आसपास रहने की उम्मीद है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक हो सकता है, जबकि 24 मार्च को 38 से 40 डिग्री तक के पारा रहने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे कि भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में आज भी पारा 38 से 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिहार में फिलहाल किसी भी इलाके के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है और ना ही निकट भविष्य में बारिश की कोई संभावना है, लिहाजा मार्च महीने में ही गर्मी के सितम से लोग परेशान हो रहे हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।